हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आईटीआई में एडमिशन कैसे लें, इसकी क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए और कट ऑफ कितनी लगती है, पेड में लें या नॉन पेड में, एससीबीटी एनसीबीटी क्या होती है, आज हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आईटीआई के लिए हर साल फॉर्म निकलते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद एडमिशन प्रोसेस होती है। एडमिशन की प्रोसेस आरंभ होती है कट ऑफ से, यानी कि 10वीं और 12वीं के बेस पे जो नंबर आते हैं उस पर एडमिशन होता है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट 10वीं पे बेस पर आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और कुछ 12वीं के अंकों के आधार पर एडमिशन लेते हैं। अगर 10वीं और 12वीं के नंबरों पर दोनों को जोड़कर भी एडमिशन होता है, उसमें कुछ नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि 5 नंबर या फिर 2 या 3 नंबर मिल जाते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट ने 10वीं किया है और 12वीं भी किया है, मगर वो 12वीं से एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके नंबर 2 या 4 जुड़ जाते हैं, यानी कि पहली कट ऑफ या दूसरी कट ऑफ में उसका नंबर आ जाता है। आईटीआई की कट ऑफ कितनी लगती है, यानी हर साल जो एडमिशन होता है, जब कट ऑफ लगती है, वो कट ऑफ कितनी सबसे ज़्यादा होती है और आखिरी में कितने नंबर पर एडमिशन हो जाता है। आईटीआई में जो फर्स्ट कट ऑफ लगती है वो 80 से लेकर 75 के बीच में होती है या फिर 70 के बीच में होती है, पहली कट ऑफ इतनी जाती है, ये पहली कट ऑफ होती है। और जैसे कि तीसरी चौथी कट ऑफ तक यह लगभग 55-50 तक आ जाती है। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, सबसे पहला आता है 10वीं या फिर 12वीं के बेस पर, जैसे कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकंड पर आता है स्टेट डोमिसाइल, यानी कि आप जिस राज्य के हैं उस राज्य का डोमिसाइल होना चाहिए। और तीसरा आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चौथा आता है इनकम सर्टिफिकेट। पाँचवा आता है आधार कार्ड और छठा आता है बैंक कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने ही चाहिए। पेड और नॉन पेड एडमिशन क्या होता है, जैसे कि जब आईटीआई में सीट नहीं बचती, कुछ सीटों पर प्राइवेट तौर पर एडमिशन दिया जाता है जिसकी फीस ज़्यादा होती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट की फीस 500 रुपये है, तो पेड वाले स्टूडेंट को 1000 रुपये देने होते हैं, यानी कि उसे डबल फीस देनी होती है। मैं स्टूडेंट को सुझाव देना चाहता हूं कि वो पेड में एडमिशन ना लें, क्योंकि इसमें फीस ज़्यादा होती है। एनसीवीटी और एससीवीटी में डिफरेंस क्या है, एनसीवीटी में नेशनल लेवल पर जब कहीं फॉर्म निकलते हैं वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एससीवीटी में केवल स्टेट लेवल पर जो फॉर्म निकलते हैं उन्हीं में ही अप्लाई कर सकते हैं।